आप देख रहे हैं आसनसोल न्यूज, शिल्पांचल के हर सच्चाई से रहे रूबरू। आसनसोल अंतर्गत वार्ड नंबर 13 बागबंदी ग्राम में आज कच्चा सब्जी वितरण की गई। अध्यक्ष उत्पल सिन्हा के नेतृत्व में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे कानून सह लेवार मंत्री मलय घटक, SC ST सेल के जिला सचिव दशरथ दास, पंचायत समिति मेंबर सिंटू कुमार भुइया, वार्ड नंबर 13 के प्रेसिडेंट तानुमय घोषाल, वार्ड सेक्रेटरी मंटू वर्मा, दो नंबर ब्लॉक किसान सेल अध्यक्ष आनंद मंडल, सुनील ठाकुर TMC ब्लॉक कमेटी मेंबर, TMC सीनियर नेता माना भट्टाचार्य, असीम बावरी, मंगल बावरी मुख्य रूप पर उपस्थित थे। आसनसोल अंतर्गत वार्ड नंबर 13 बागबंदी ग्राम में दूध बिक नहीं रहा है और महंगाई से बदहाल है दूध व्यापारी। आज दूध व्यापारियों ने सड़क पर दूध बहाकर किया प्रदर्शन। बारावनी से हमारे संवाददाता राहुल तिवारी का रिपोर्ट। बारावनी दूध व्यापारियों द्वारा शनिवार बारावनी ब्लॉक की रेलवे क्रॉसिंग के समीप दुमहानी मुख्य मार्ग पर 100 लीटर दूध सड़क पर बहाकर विरोध प्रदर्शन किया। दूध व्यापारी अर्थात ग्वाला द्वारा सरकार से सहायता की अपील। पूरे देश में लॉकडाउन के कारण सभी दुकान बंद पड़े हैं, खासकर मिठाई दुकान में दूध की खपत अधिक होती है। दूध की खपत बंद होने से परेशानी है सभी दूध व्यापारी। ऑल इंडिया यादव समुदाय की पश्चिम बंगाल के सेक्रेटरी विकास यादव ने कहा कि लंबे समय से पूरे देश में लॉकडाउन के कारण सभी मिठाई दुकान बंद पड़े हुए हैं और अभी तक कुछ कुछ दुकान जो खुले हुए हैं वो उस मात्रा से अभी और दूध नहीं ले रहे हैं और दूधों की सबसे अधिक खपत मिठाई दुकान में ही होते हैं, जबकि लॉकडाउन से ही दूध तो उत्पादन हो रहे हैं। ना खरी पीना दूध बिकाते नहीं थे, माल गरु भूखे मर रहा है। हम लोग अपन पेट देखे है कि माल गरु के देखे। तो क्या क्या मांग है आप लोग? मांग है कि हम लोग का कुछ सहारा होगा तभी तो हम लोग का थोड़ा जिएगा, नहीं तो दूध बिकेगा नहीं करेगा, माल गरु मरिए जाएगा तो हम लोग का पूंजी खत्म हो जाएगा। तो होटल में दूध नहीं दे रहे ना? तो क्या कर रहे हैं? दूध थोड़ा जमीन में बिकता है, कुछ माल गरु के जूठा पठा में दे देता है और क्या करेगा। हम आपका नाम? बाप के नाम श्री जतन जादव। आपका नाम? हमारा हीरामन जादव। हम लोग सब जितना बोला भाई है, जादव भाई लोग खटाल वाला सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हम लोग को लॉकडाउन हुआ है तब से दूध का बिक्री नहीं है, दूध सब बिक्री नहीं है, जिसके चलते हम लोग ना अपना मवेशी को खिला रहा पा रहा है ना अपना घर बच्चा को खिला पा रहा है, क्योंकि दूध बिक्री नहीं हो रहा है, नहीं हम लोग का कोई सरकार से आर्थिक मदद मिल रहा है, इसीलिए हम लोग अपना दूध रोड में मैंने गिरा करके आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हम लोग के ऊपर सरकार ध्यान दे और हम लोग का भी भरण पोषण का उचित व्यवस्था किया जाए। इसीलिए हम लोग आज पूरा समाज और सब लोग मोटा अपना यहाँ पर आके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कितने खटाल हैं यहाँ पे? यहाँ पे खटाल माइल मोटा 86 हो, हम लोग का बराबनी में यहाँ पर 86 खटाल है। तो लगभग कितने लीटर दूध बहाया आपने? हम लोग यहाँ पर 110 लीटर दूध बहाया आज। आपका नाम? मेरा नाम विकास कुमार यादव, वेस्ट बंगाल स्टेट सेक्रेटरी यादव महासभा। शनिवार को रानीगंज रेलवे स्टेशन के करीब वार्ड नंबर 90 स्थित भाजपा पार्टी दफ्तर में एक कार्यक्रम का आयोजन कर भाजपा के उन कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर
अपना फर्ज निभाने के लिए पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा कोरोना के रोकथाम में स्वास्थ्य कर्मियों सफाई कर्मियों के योगदान भी नमन किया गया। शनिवार को केंद्र सरकार के दो বিভিন্ন মানুষ যারা ট্রিটমেন্ট করাতে গিয়ে ফেঁসে গেছে, ব্যাঙ্গালোরে ফেঁসে আছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করছে। কিছুদিন আগে রাজস্থানের কোটা থেকে বহু স্টুডেন্টকে ফিরিয়ে আনার কিন্তু উদ্যোগ মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় নিয়েছিলেন, তার উদ্যোগে কিন্তু আসানসোলে ফিরে আছে আমাদের রাজস্থান থেকে বহু স্টুডেন্ট, যারা কিন্তু আমাদের রানীগঞ্জের মধ্যেও দুজন ছিল, একজন আমাদের রাজবাড়ির কেসরিদের এবং অন্যজন আমাদের স্কুল পড়ায়। তো এই সব উদ্যোগগুলো কিন্তু উনি নিয়েছেন। উনি আমাদের থেকে এতটা দূরে থাকলেও কিন্তু আসানসোলের সঙ্গে এতটাই নিবিড়ভাবে জড়িত যে উনি ওনাকে বিচ্ছিন্ন। केंद्र में मोदी सरकार का दूसरी पारी का आज पहला साल है। आज ही के दिन हम सबके प्रिय परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक साल पहले शपथ लिए थे केंद्र में। हमारे आसनसोल के लोकप्रिय सांसद बाबुल सुप्रियो जी मोदी जी की टीम में सैनिक होने के नाते उन्होंने शपथ ली थी, और उसी के क्रम में आज साथ साथ हिंदी पत्रकारिता दिवस भी है। और जिस तरह हमारे कार्यकर्ताओं ने लगातार ग्राउंड पे रह के काम किया है, आप पत्रकार भाइयों ने जिस तरह से हर परिस्थिति में काम किया है, सफाई कर्मियों ने भाई ने जिस तरह से लगातार काम किया है, पुलिस प्रशासन ने काम किया है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ।